स्टार्ट करते हैं आर्किबैक्टीरिया, जिनको हम आग्य जीवाणु भी कहते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। उसके साथ साथ ये हार्श हैबिटेट में फाउंड होते हैं, यानी कठिन परिस्थितियों में भी ये रह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ थर्मो एसिडोफिलस, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ एसिडिक एनवायरमेंट होगा, वहाँ पाए जाएंगे, यानी सॉल्ट और हॉट स्प्रिंग में देखने को मिलेंगे। मैथिनोजन मार्शी एरिया में फाउंड होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं आर्किबैक्टीरिया जो गट में, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, उनके गट में इंटेस्टाइन में फाउंड होते हैं। यू बैक्टीरिया को हम सत्य जीवाणु कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो कठोर होती है, पेशाब इनमें पाया जाता है, फ्लैजिला पाई जाती है, इसलिए यू बैक्टीरिया जो है चल भी जाणु है। इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया, इनको हम अकशाबी कहते हैं, नीलहरित शैवाल, इनमें कशाबिका अनुपस्थित होती है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट करेक्टर यह है हरे पादपों की भांति इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी हो गए, और प्रकाश संश्लेषी हुए तो ये स्वपोषी हुए। देन इनकी कॉलोनी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक है, कॉलोनी तंतु में लवण और स्थल जगह पे पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट एक इंपॉर्टेंट सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, वो फाउंड होगी आपको साइनोबैक्टीरिया में, नीलहरित शैवाल में। एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनाबिना। अब बात आती है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो रासायनों का उपयोग करते हैं भोजन के निर्माण के लिए, नाइट्रोजन का, नाइट्रेट का, नाइट्राइट का, अमोनिया का ऑक्सीकरण करके वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा दूध से दही निर्माण में, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में, लेग्यूम पादपों की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में इन जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करते हैं हम एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक की। हॉलैंड के थे एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को खोजा था। जो गंदा पानी होता है या फिर लार है, दांत का मेल, उसमें छोटे छोटे जीव देखे एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक ने, और उन जीवों को इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल।